लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इस बीच दिल्ली में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल जहां आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी भी उनको करारा जवाब देने से नहीं चूक रही। पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार किया। अमित शाह ने वोटरों से अपील करते हुए कहा कि 25 मई के में चुनाव में इतनी जोर से कमल का बटन दबाइएगा कि केजरीवाल को याद आ जाए कि उन्हें वापस तिहाड़ जेल जाना है। दरअसल कथित शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल को दोबारा जेल जाना होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल अमित शाह की दिल्ली में सभा थी और 500 से भी कम लोग वहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। केजरीवाल ने कहा कि क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? उन्होंने हमें 62 सीटें दी हैं। पंजाब के लोगों ने 92 सीटें देकर हमारी सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या वो भी पाकिस्तानी हैं? आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपको प्रधानमंत्री ने वारिस चुना है लेकिन पीएम नहीं बने हैं, फिर इतना अहंकार क्यों? आप भी सुनिए इस दौरान केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आज मैं आप सबसे 3 बातें करना चाहता हूँ। एक, जैसे जैसे 5वें चरण का चुनाव कंप्लीट हो गया और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ, कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी, आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी मुझे गाली देने से क्या फायदा? प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, आप उनसे निपटिए ना। आप केजरीवाल को क्यों गाली दे रहे हैं बता रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो चुका है। चूंकि चुनाव हो रहे हैं और हम 4 जून के करीब हैं, मैं कह सकता हूं कि बीजेपी हार जाएगी। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारत गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। फिलहाल ये तो आगामी 4 जून को ही चुनाव परिणाम आने के बाद पता चल पाएगा कि इंडिया गठबंधन को 300 सीटें मिल रही हैं या फिर भाजपा 400 पार कर रही है।